तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। और गाइस आज मैं काफ़ी 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 खुश हूँ क्योंकि गाइस आज जा रहे हैं हम लोग ईद के कपड़े लेने, ईद की शॉपिंग करने जा रहे हैं। और क्योंकि मैं परसों गांव जाने वाला हूँ तो यहाँ तो मेरी ईद होगी नहीं मम्मी पापा के साथ, तो मैं गाँव में रहूँगा तो गाँव में अपनी ईद होगी, इसलिए मम्मी पापा मेरे को पहले कपड़े लेकर दे रहे हैं, ईद की शॉपिंग अपनी पहली होगी। तो अभी चलते हैं मदन के सीधा शॉपिंग करने, उसके बाद जल्दी आना है क्योंकि आज जुम्मा है तो नमाज भी पढ़ना है। सो लेट्स गो। गिर यहाँ पे शॉपिंग करने ईद की, देख ले इतनी सारी शॉपिंग करी हमने, बाकी अभी थोड़ा बहुत सामान रह रहा है। भाई पापा कार निकाल रहे हैं इधर से। A few moments later. So guys, फाइनली शॉपिंग करके आ चुके थे ईद की, और आते ही पहले मैंने नहाया कि काफी गर्मी थी और जुम्मा था तो ऑब्वियसली नहाना था ही। और मैं आपको कपड़ा दिखा देता हूँ अपना जो मैं लेकर आया हूँ। सो गाइस चांद दांत के लिए जो मैं लेकर आया हूँ, पठानी कुर्ता पजामा एक नंबर है भाई साहब, ग्रीन कलर का एक नंबर, ये पठानी कुर्ता पजामा अलविदा के लिए, अलविदा के लिए ये कुर्ता तो पठानी वाला है, और ये पजामा वो तो, और ये सब मैं ये चांद दांत वाले के लिए, और उसके बाद लाया हूँ मैं इधर अपना पैंट शर्ट है, ये ईद में पहनने वाला है, ये रहा पैंट, ये जींस है, ये हाँ ये जींस है, ये जींस होगी, और ये हो गया शर्ट। ज़्यादा मतलब चमकता धमकता नहीं लेकिन सिंपल मेरे को ज़्यादा सही लगता है। अभी ये लिया ईद के लिए, अभी पहनूंगा ईद को, ये सब दिखेगा आपको सिर्फ ईद में और अलविदा वाले दिन, तो वो ब्लॉग छोड़ना मत। और अभी मैं परसों जाने वाला हूँ अपने गाँव, और गाँव में ही हमारी ईद होगी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि गाँव से लेते जितने भी ब्लॉग है उसमें छोड़ते जा रहे हैं भैया गाँव अकेले, हमको नहीं लेके जा रहा, चल निकल असूद। और गाइस जिसमें सबका घर चला जाएगा ये रहे अपने शूज, या तो सिंपल लेता है, बहुत हल्का है, बहुत ज्यादा है, कितना ग्राम का, 50 ग्राम का होगा, इतना हल्का, एक शूज इतना हल्का है, 50 ग्राम कंफर्टेबल बहुत है। और गाइस ये पड़ा है मैं 1800 रुपये का, मतलब 2000 का बता रहे थे तो 200 रुपये की तरह मुश्किल से डिस्काउंट करें तो 1800 रुपये का दिया, क्वालिटी वाले सारे गाइस अपनी, हमारी तो शॉपिंग, मेरी तो शॉपिंग हो चुकी है थी, बाकी अम्मी और धीरे जान वगैरह तो चांद रात से एक दिन पहले जाएंगे लेने। आप लोग को कैसा लगा कपड़ा ये कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब पहन के तो मैं सीधा ईद वाले दिन दिखाऊंगा आपको, तो वो ब्लॉग का इंतजार करना जब तक। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी जल्दी, ताकि हर बॉडी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दो। और बाकी अभी मेरे को सूटकेस भी लेकर आना है क्योंकि गांव जाएंगे तो ऑब्वियसली सूटकेस वगैरह में कपड़े भर के जाएंगे ना, तो शाम तक या कल तक सूटकेस भी आ जाएगा, बाकी एक दो सामान और लेना है वो बाद में लेंगे। A few moments later. आज पढ़ के आ चुका हूँ और बाहर काफ़ी तगड़ी गर्मी हो रही है यार, बहुत तगड़ी भाई धूप हो रखी है, और आज तो बहुत मतलब परेशानी भी हो रही है रोज़ा रखने में, बाहर दिखाता हूँ बाहर का मौसम आपको, जुम्मा मुबारक, और सबको जुम्मा मुबारक गाइस, बाकी सबको दिक्कत है काफ़ी हो रही है, मैं दिखाता हूँ बाहर का मौसम कितना तगड़ा हो रहा है। गाइस बाहर का मौसम देखो कितनी तगड़ी धूप है यार, एकदम कथई तगड़ी वाली गर्मी हो रखी है। पहले असर की नमाज भी पढ़ ली है, और अभी मैं सो गया था ना क्योंकि आज काफ़ी गर्मी आपको तो पता ही है, और इसलिए मैंने कूलर भी लगा दिया था, और कूलर में काफ़ी ठंडी हवा आ रही थी इसलिए नींद आ गई थी मेरे को। बाकी असर की नमाज पढ़ ली है, और जी हाँ कुछ फ्रूट्स लेकर आ गई है, सबका रोज़ा है ना आज, मैंने कूलर भी लगा दिया था फुल पानी भर के एकदम साफ अप करके, और इधर मस्त लेट गया था, और काफ़ी ठंडी हवा आ रही है इसमें से, ये देखो कुछ ज़्यादा ही फ्रूट्स लेकर आ गई है, देखो हाँ ओहो तेरा फेवरेट आम दिखा जरा, ये देख ये जीरा और जीरा, ओहो लड़के तुम्हारे तो रोज फेवरेट चेंज होते रहते हैं, कभी केला होता है कभी संतरा होता है, आम है हमेशा, हाँ हमेशा, और लड़के और अंदूर भी है, अंदूर भी है देखा, ये गाइस अंगूर है थोड़े बहुत, ये रहे आम महंगे, अभी नहीं, और गाइस ये रहा पपीता, रुक जा भी, ये रहा खरबूजा केला, और ये रहा तरबूज, अभी अभी 1.5 घंटा जा रहे हैं इफ्तार के लिए, डेढ़ घंटा हाँ, केले काट दिए और
ये क्या तरबूज काट दिया है, पपीता काट दिया है, आम भी काट दिया है और अंगूर इधर कर दिए। बाकी मैं लेकर आ चुका हूँ रूह अफ़ज़ा गाइस, क्यों जानते हो इतना गर्मी है तो भाई ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पीने का अलग ही स्वाद होता है। तो रूह अफ़ज़ा लेकर आ चुका हूँ, मस्त रूह अफ़ज़ा बनाता हूँ मैं। हेलो गाइस, ओए पीटेगा तो झूठा कर रहा है, ये वो क्या है? कुछ नहीं, मस्जिद के लिए निकाल दिया है, जहाँ जा रहा है अभी देने, ये देखो। और बाकी सारे फ्रूट्स वगैरह सब कर दिए हैं और बाकी मैंने फाइनली वो भी बना दिया है रूह अफ़ज़ा। तो क्यों घुस रहा है यार, ये देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। इसके फेवरेट आम है ना अभी, इसलिए इतनी एक्साइटमेंट बढ़ रही है इसकी। यहाँ पर हमारे पास पकौड़ी भी है, ये देखो इतनी सारी पकौड़ियाँ, अच्छा ना भी है, आलू के भी है देखो। हाँ और बाकी मुझे तो बस एक्साइटमेंट हो रही है रूह अफ़ज़ा पीने की, और मुझे भी, क्योंकि हम आज प्यास बहुत लगा है ना अम्मी। चार मिनट रह रहे हैं सिर्फ रोज़ा खोलने के लिए और भाई एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, जहाँ टाइम बढ़ता जा रहा है क्योंकि आज काफ़ी प्यास लगा है। आज सबसे ज़्यादा पानी पीऊँगा बस, और कुछ नहीं, बस मुझे पानी मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए बस। और सब लोग अभी दुआ कर रहे हैं और जिसान सोच रहा है यार कब मैं आम खा लूँ, कब मेरे को मौका मिल जाए मैं आम खा लूँ, बस वो आम में लगा पड़ा है। बाकी जिसान गया है मस्जिद देने सामान, अभी वो भी आता होगा। और चार मिनट बच रहे हैं रोज़े के लिए। इफ्तार हो चुका है और नमाज भी पढ़ लिया है और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने काफ़ी अच्छी शॉपिंग करी ईद की और आपको तो पता ही है मैं परसों जाने वाला हूँ गांव, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि गांव से रिलेटेड जो भी ब्लॉग आए पहले आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन। इसलिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो। फिर मिलते हैं एकदम मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।